वेब दुनिया के सभी प्रेक्षकों को और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई अभिनंदन, सबको क्रिसमस की बधाइयाँ और अभिनंदन, क्रिस जयंती की शुभकामनाएं। क्रिसमस की तैयारियाँ अभी 2 साल के बाद हम मनाने जा रहे हैं, तो हर साल की तरह गौशाला बना रहे हैं सभी गिरजाघरों में। इसके अलावा गायन के लिए जो कैरोल बोलते हैं, क्रिसमस क्रिस जयंती से संबंधित गाने, उसकी अभ्यास चल रही है। उसके अलावा घर घर जाके लोगों का अभिनंदन करना, मुलाकात करना, वो भी चल रही है। और कहीं कहीं रोशनी के बत्ती के द्वारा सजावट, वो भी चल रही है। तारे जो प्रभु यीशु के जन्म के अवसर पर दिखे थे, वैसे तारों का भी प्रबंध कर रहे हैं। तो लोगों में बड़ा होश है, बड़ा उत्साह है फिर से क्रिसमस मनाने के लिए। हम सब अपने अपने जन्मदिन जरूर मनाते हैं और बड़े आनंद के साथ परिवार जन आनंद जन्मदिन मनाते हैं। तो प्रभु यीशु का जन्मदिन भी सभी उनके अनुयायी मनाते हैं जो उनको मानते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए वो बड़ा कार्य किया है। तो उनका जन्मदिन जरूर हम मनाते हैं। जितने बड़े लोगों का जन्मदिन हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जैसे गांधी जयंती पूरे भारत में सभी लोग मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी हमारे लिए हमारा राष्ट्रपिता हैं, हमारे सबके लिए बहुत बड़ा है। तो वैसे प्रभु यीशु भी हम सबके लिए बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। तो हम उनका जन्मदिन बड़े आनंद के साथ मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। यीशु का संदेश यही था कि सबके साथ प्रेम रखो और सबकी सेवा करो। किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो, किसी के साथ कोई मनमुटाव ना हो, सबको अपनाना। उन्होंने इतना तक कह डाला कि दुश्मनों को भी प्यार करो। तो कोई भी छूट नहीं है, सबको अपनाना है, सबको अपना मानना है। तो एक विशाल दृष्टिकोण उन्होंने हमें रखने के लिए आदेश दिया है और उन्होंने कर भी दिखाया है कि अपने जीवन काल में सबके साथ उन्होंने अपना रिश्ता रखा। वैसे हम भी इसी तरह सबके साथ जुड़े रहें, सबके साथ प्रेम करें, सबके लिए अपनी सेवाएं अदा करें। कोरोना में हम सब अपने अपने घरों में बंदी थे, हम कह सकते हैं। अभी सामाजिक रिश्ता फिर से संभव है, इसलिए सबके साथ मिलना, सबका अभिनंदन करना, सबके पास जाना और हमारी रिश्तों को फिर नया करना, ये अभी हम प्रयास कर रहे हैं। वैसे हम सभी चाहते हैं सबों से जुड़े रहने के लिए। हम कोई भी चाहता नहीं है, सब क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है, तो सबके साथ मिलना तो कोरोना के बाद ये फिर से संभव है। हम ज़रूर सावधानियां बरतेंगे, क्योंकि अभी भी खबर मिला है कि नई वेरिएंट आए हैं। हमें सावधानी बरतनी चाहिए, अपनी सुरक्षा आप करने। तो इसी के साथ हम जरूर त्योहार मनाएं।